वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, जिसका असर दुनिया की बेहद खूबसूरत जगहों पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मानव सभ्यता को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना होगा। यह विचार उन्होंने आज सोमवार को विधानसभा क्षेत्र की गही लगोड़ पंचायत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित पौधारोपण अभियान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए व्यक्त किए। इस मौके पर उन्होंने आमले का पौधा लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। स्थानीय राजकीय आर्य डिग्री कॉलेज ITI के बच्चों सहित प्रशासन व स्थानीय जनता ने भी पौधारोपण में भाग लिया। राकेश पठानिया ने कहा कि युवाओं के पौधारोपण अभियान के साथ जुड़ने से ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जारी लड़ाई में काफी मददगार होगा। उन्होंने युवाओं से प्रकृति को प्रदूषण से बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आगे आने तथा आम लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से वन संरक्षण के साथ साथ जल संरक्षण को भी जन आंदोलन बनाने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अपनी निजी भूमि पर अधिक से अधिक औषधीय पौधा तथा फलदार पौधे लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे पौधे लगाने से जहां हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा, वहीं इसके उत्पादों की बिक्री से हमारी आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पंचायत प्रतिनिधियों से अपने अपने स्तर पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने व इस मुहिम को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने तथा पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी आगे आने का आह्वान किया। वन मंत्री ने अग्निवीर योजना पर बोलते हुए कहा कि युवाओं के लिए यह योजना उनके जीवन में आगे बढ़ने के साथ देश सेवा के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। जितने हमारे साथ यहाँ पे गई लोगों की आए, सारे अधिकारी हमारे साथ के साथ जितने यहाँ पे पहुंचे, मेरे सामने कल का भविष्य बैठा है और बेटियां वर्दी में है NCC की, और एक पौधारोपण का ये कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जो चलाया जा रहा है, पूरे हिमाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है और पूरे हिमाचल प्रदेश की सारी इकाइयों के जहां जहां से मुझे फोन आ रहे हैं, हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि अगर कोई 2000 पेड़ मांगता तो उनको 3000 दिए जाए, ताकि बढ़ चढ़कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये एक ऐसी शाखा है जिसमें अब इस छोटी उम्र में आपको देश के प्रति, देश की भक्ति के प्रति और देश के भविष्य के प्रति एक जागरूकता मिलती है, और हमें अपना आने वाला जीवन जो है उसको नशे से मुक्त रखने के लिए, ड्रग्स फ्री रखने के लिए और देश के प्रति अपने आप को समर्पित करने के लिए, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में नहीं है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अलावा। इसलिए मैं आज आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे आपने बात रखी ग्लोबल वार्मिंग की, आपको ये समझना बड़ा जरूरी है बच्चों को कि आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या चीज। हम बोलते तो हैं एनवायरमेंट बोलते हैं, पर क्या आपको समझ है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये पेरिस का समझौता क्या है, ये कार्बन क्रेडिट्स क्या है, किस तरीके से ये कार्बन क्रेडिट्स क्रेडिट किए जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, इस साल लाहौल स्पीति में ना बर्फ पड़ी है ना बारिश हुई, और आलू जो पूरे दुनिया में सबसे मशहूर होता था लाहौल स्पीति का, पोटैटोस के लिए जिसके लिए जानते हैं, जो अंकल चिप्स जितने ये सारा कुछ आप देखते हैं जो बनता है, इसके लिए वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मार्केट को है तो लाहौल का आलू। पर ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो गैसेस रिलीज हुई है, उनका जो डिस्टेबलाइजेशन हुआ है और पूरा जो है एनवायरमेंट के अंदर जो इसका असर हो रहा है कि आज बारिश आ रही है, कब जब हम छोटे होते थे तो बारिश लगती थी 6 दिन 7 दिन 8 दिन हल्की हल्की झड़ी लगी रहती थी, उसको हम बरसात का मौसम बोलते थे, ऋतु का मौसम बोलते थे। आज बरसात आती है 15 मिनट में ऐसा लगता है भगवान ने बाल्टी उल्टी कर दी, जो खड्ड जो नाला कभी इतना सा हुआ करता था, जब जोर से पानी आता वो इतना बड़ा बन गया, हमारा अच्छा सॉयल सारा बह के नीचे चला गया और हमारा जमीन जो है हमने लूज करना शुरू हो। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।